All right, so now let us discuss the chapter 3 revision question bank. ठीक है, chapter 3 मतलब Excel creating worksheets. First question is, what is Excel? Excel एक powerful spreadsheet software है. It can organize and maintain data, do calculation and represent data in the form of charts and graphs. ठीक है, so very simple definition of Microsoft Excel. Second question is, workbook क्या होती है? What is a workbook? Workbook is a file that contain one or more worksheets that help you to organize data. ठीक है, so workbook क्या है? Worksheets का combination है. Worksheet क्या है? Worksheet contains all the cells, consists of cells in which you can enter and calculate data. The cells are organized into rows and columns. Okay, so worksheet क्या है? वो combination of cells हैं. और वो सेल्स क्या होते हैं? सेल्स जो हैं वो कॉलम्स और सेल्स का, कॉलम और रोज का इंटरसेक्शंस होते हैं. ठीक है, एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? .xlsx. फाइल एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? डॉट के हम जब फाइल नेम देते हैं तो फाइल नेम देने के बाद डॉट लगाते हैं, और डॉट के बाद 3 या 4 लेटर के का एक वर्ड होता है. ये जो 3 या 4 लेटर है, ये आपको बताता है कि आपकी फाइल में किस तरीके का कंटेंट है. जैसे अगर मैं लिखूं .docx तो हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ड फाइल है. जब मैं लिखूं .mp3 तो हमें पता चल जाएगा ये ऑडियो फाइल है. सिमिलरली mp4 लिखेंगे तो ये वीडियो फाइल होगी, xlsx लिखेंगे तो ये एक्सेल डॉक्यूमेंट होगा. ठीक है, सो ये फाइल एक्सटेंशन का मतलब है. ये एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, एटलीस्ट पता होना ज़रूरी है सबको. नेक्स्ट इज, सेल क्या होता है? सेल एक बॉक्स है जो कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में. रो क्या होती है? रो होती है वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो हॉरिजॉन्टली अरेंज हैं और लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं. ठीक है, एंड रो जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है नंबर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर से. कॉलम क्या होता है? ये वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो वर्टिकली अलाइन है, जो टॉप से बॉटम में रन कर रहे हैं. और कॉलम के नेम्स कैसे स्टार्ट होते हैं? ए बी सी डी से. ओके, नेक्स्ट इज, सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल रेफरेंस मतलब हर एक सेल को दिया गया यूनिक नेम. हर सेल जो है एक रो या कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है, तो जिनके को इंटरसेक्शन से बनता है वो उसके उसका नेम भी हो जाते हैं. जैसे अगर एक सेल बन रहा है ए कॉलम एंड 10th रो से, तो उसका सेल एड्रेस हो जाएगा A10. किस तरीके का डेटा आप सेल में पुट कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं? आप टेक्स्ट, नंबर्स एंड फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, एक्सेल के यूजेस क्या हैं? नंबर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, डेटा को वर्कबुक की फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, डेटा को शेयर किया जा सकता है. ठीक है, एक्सेल के कुछ फीचर्स. एक्सेल में हम डेटा को एडिट और फॉर्मेट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, वर्कशीट्स को प्रिंट कर सकते हैं, चार्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो ये 4 फीचर्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन है. नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स में एक्टिव सेल का रेफरेंस या नेम मेंशन होता है. जिस सेल को आप क्लिक कर देते हैं वो एक्टिव हो जाता है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्टिव सेल है. सो व्हेन यू क्लिक अ सेल एंड अ डार्क बॉर्डर कम्स ओवर इट, दैट बिकम्स एन एक्टिव सेल. ओके, व्हाट इज अ रेंज और अ सेल रेंज? सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ सेल रेंज. व्हाट इज ऑटोफिट? ऑटोफिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द विड्थ ऑफ कॉलम टू फिट द वाइडेस्ट आइटम इन द कॉलम एंड हाइट टू फिट द टॉलेस्ट आइटम इन द रो. ओके, सो ऑटोफिट का क्या मतलब होता है? जैसे आप कुछ किसी कॉलम में कुछ डाल रहे हैं, सॉरी कॉलम नहीं, सेल में आपने कुछ डाला, तो जब आप, लेट मी जस्ट डू इट हियर, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे, यू नो, आई एम पुटिंग समथिंग लाइक, ओके, मैंने इतना लंबा कुछ डाल दिया, ऐसी कुछ भी वैल्यू डाल दी. जब मैं यहाँ इस कॉलम के एज पे जाके इसे डबल क्लिक करूँगी तो वो पूरी की पूरी वैल्यू उस कॉलम के अंदर फिट हो जाए. ठीक है, अर्लियर कैसा था? कॉलम से ओवर, इस सेल से ओवरफ्लो हो रही थी वैल्यू, पर जब आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगी. मतलब ऑटोमेटिकली वो वैल्यू
और सेल की जो हाइट विड्थ है वो एक एक दूसरे के हिसाब से फिट हो जाएगा, इसको कहते हैं ऑटो फिटोमा। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग। क्या है एक्सेल में फॉर्मेटिंग? एक्सेल शीट को अट्रैक्टिव बनाती है। ठीक है, लाइक जैसे आप बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स ये सब डाल देते हैं, दैट मीन्स आप फॉर्मेटिंग डाल रहे हैं। मर्जिंग सेंटर क्या होता है? आप सारे सेल्स को सेलेक्ट करके एक सिंगल मर्ज्ड सेल जब बना देते हैं वो होता है मर्जिंग सेंटर। ठीक है, अच्छा कुछ शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक्स करने के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, सारे फाइल के कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए। ठीक है, नेक्स्ट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? बेसिकली वो फॉर्मेटिंग है जो उन लाइक मेरे पास एक टेबल है और मैं चाहती हूँ सेल्स तभी हाईलाइट हो जब वो किसी कंडीशन को मीट कर ले या किसी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर ले, तो उसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मतलब एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग नहीं है, ये एक ऐसी फॉर्मेटिंग है जो एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर लगेगी। ओके, जैसे आई कैन से मैंने एक क्लास का अगर एक टेबल बनाया और उसमें सबके जो है ग्रेड्स लिखे, तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वो बच्चों का ग्रेड हाईलाइट हो जाए जो A1 है। ठीक है, और हाईलाइट कैसे हो जाए? ब्लू कलर में। तो मैंने फॉर्मेटिंग लगाई ब्लू कलर, पर किस किस कंडीशन पे लगाई? जब A1 ग्रेड आ जाए। ठीक है, सो यहाँ पे कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग लग रही है, इसलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव कैसे करते हैं? आप इसको डिलीट नहीं कर सकते या कंट्रोल जेड कर, मतलब नॉर्मली डिलीट नहीं होगी। आपको होम टैब में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके क्लियर रूल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये क्लियर होती है। ठीक है, सो ये है आपके कुछ रिवीजन क्वेश्चन बैंक। आई होप ये आपको यूजफुल लगे होंगे। अभी मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से इस चैप्टर की PDF भी देख लें, सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए कि इस चैप्टर में है क्या क्या। ठीक है, सो ये आपका Chapter 3 है, क्रिएटिंग वर्कशीट। एक्सेल मैंने आपको बता दिया एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, कैलकुलेशंस करते हो, चार्ट्स एंड ग्राफ्स की फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एक्सेल में कॉलम्स होते हैं, लाइक ये ABCD जो कॉलम्स दिख रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। ठीक है, देन इनके इंटरसेक्शन से बनता है एक सेल, और हर सेल का एक यूनिक नेम होता है जिसको हम बोलते हैं उसका सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस। ठीक है, और ये कॉलम का नेम और रो के नंबर से बनता है। जैसे ये जो सेल है इसका क्या रेफरेंस होगा? इसका रेफरेंस होगा D2, क्योंकि ये D कॉलम और 2 सेकेंड रो से बन रहा है, इसलिए ये D2 है। ठीक है, एक्सेल के यूजेस क्या हैं? आप नंबर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं वर्कबुक की फॉर्म में, और सिर्फ इतना ही नहीं डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे PDF फॉर्म में या HTML फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल के फीचर्स क्या हैं? आप डेटा को एडिट और फॉर्मेट कर सकते हैं, बहुत सारी एडिटिंग, बहुत सारी फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं एक्सेल में, आप वो सब यूज़ करके डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर आप फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ रेडीमेड होते हैं, कुछ से खुद से लिखने होते हैं, है ना, जो खुद से लिखते हैं वो फॉर्मूला है, जो रेडीमेड है वो फंक्शन है, राइट। फिर आप वर्कशीट को प्रिंट भी कर सकते हैं, हार्ड कॉपी भी जो है निकाल के देख सकते हैं, राइट। फिर आप चार्ट एंड ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, आप शेप्स भी बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यू नो रख सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने चार्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक्सेल में वर्कशीट कैसे आप क्रिएट करेंगे? आप सीधा क्लिक करेंगे, आपकी वर्कबुक ओपन होगी जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे, तीन वर्कशीट्स आपको दिखेंगी, और जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ ये मेरा वर्कबुक है, नीचे जो है चार वर्कशीट है, मैं यहाँ पे और ऐड कर सकती हूँ,
बाय डिफॉल्ट आपको तीन वर्कशीट्स मिलती हैं, और आप बस सेल पे क्लिक करके और कुछ भी जो भी एंटर करना है आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, वर्कबुक को सेव कैसे करते हैं? वर्कबुक को सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। फाइनली जब आपकी फाइल सेव होगी तो डॉट xlsx से सेव होगी। ठीक है, ये फाइल एक्सटेंशन है, ये मैंने आपको रिवीजन क्वेश्चंस में भी समझाया है। सेल को कैसे सेलेक्ट करते हैं? क्लिक कर लीजिए या फिर आप क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, या आप एरो से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी शिफ्ट एंड एरो से। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डू यू एडिट डेटा। डबल क्लिक करिए सेल में और एडिट करना शुरू कर दीजिए। कैसे डिलीट करते हैं? सेलेक्ट करिए सेल को, डिलीट कर दीजिए, डिलीट की प्रेस कर दीजिए। अंडू कैसे करते हैं? कंट्रोल जेड से कर सकते हैं, ठीक है, या अंडू बटन से कर सकते हैं। सिमिलरली रीडू कैसे कर सकते हैं? रीडू बटन से या कंट्रोल वाई से कर सकते हैं। डेटा को मूव कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, या अगर कट करना है तो कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम की विड्थ एंड रो की हाइट कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कॉलम है, राइट एज पे जाएंगे, जब आपका कर्सर ये फोर साइडेड एरो बन जाएगा उसको ड्रैग कर दीजिए। सेम वे रो में भी जब आपका फोर साइडेड एरो बन जाएगा तो उसको ड्रैग कर दीजिए, साइजेस इसके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऑटो फिट क्या है? ऑटो फिट कॉलम और रो को ऑटोमेटिकली फिट एडजस्ट कर देता है कंटेंट के हिसाब से। जितना कंटेंट होगा उतनी आपकी कॉलम और रो की हाइट विड्थ हो जाएगी। दैट्स इट। कैसे आप रो एंड कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, आप कॉलम को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। रो को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ऑल्टरनेटिवली मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, होम में इंसर्ट टैब में जाके आप इंसर्ट क्लिक यूज़ कर सकते हैं। इसका एक प्रॉपर एक वीडियो है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेट कैसे करते हैं? या ये सारे फॉर्मेटिंग, ये पूरा फॉर्मेटिंग टूल बार है। ठीक है, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स, फॉन्ट चेंज करना, बॉर्डर देना, फॉन्ट कलर देना, ठीक है, बैक कलर, फॉन्ट कलर, ओके, ये अलाइनमेंट्स हैं, ये आप सब यूज़ कर सकते हैं, इन्हीं सबको कहते हैं फॉर्मेटिंग्स। ठीक है, एंड या लास्ट टॉपिक इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये मैंने आपको क्वेश्चंस में भी बताया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉरी यहाँ पे है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो होती है जब आप कंडीशन के हिसाब से कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। रिमूव करने के लिए आपको होम टैब पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके क्लियर सेल रूल्स करना पड़ता है, तभी ये फॉर्मेटिंग रिमूव होती है। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप दिस वीडियो revision video was useful to you. If it was useful, then at least like the video, and thank you so much for watching this video. Bye and take care, and yes, keep learning, keep growing.